अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फाइक। नाज़रीन, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी आवाम की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा हैं, जहां पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के 8000 से ज़ायद कैमरे शहरियों की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। वहां पर और भी बहुत सारे ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं जिनसे आवाम 24 घंटे किसी जगह अपने आप को महफूज समझ सकती है। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की पब्लिक सेफ्टी और वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन के जरिए आप किसी भी वक्त पुकार इमरजेंसी 15 पर कॉल कर सकते हैं। इसका बेहतरीन फीचर लोकेशन ट्रैकिंग है। आइए हम लोगों से जानते हैं कि यह एप्लीकेशन उनके लिए कितनी सूदमंद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सादत हसन है। अच्छा सादत साहब, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानिब से पब्लिक सेफ्टी ऐप लॉन्च की गई है, आप क्या समझते हैं कि ये कितनी मुफीद, कितने फ़ायदेमंद है शहरियों के लिए? बहुत अच्छा इकदाम है, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए। टाइम इवॉल्व हो रहा है, हर कोई अब मतलब टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, तो हमें टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आई एम श्योर कि बहुत तब्दीली बेहतरी आएगी लोगों की हिफाजत के लिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जो इकदाम कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये एप्लीकेशन कितनी मुफीद है, कितनी सूदमंद साबित हो सकती है शहरियों के लिए, ख़वातीन के लिए? नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर तो इस तरह से हम ये कर लेते हैं तो हमारी फैमिली की तरफ से एक बड़ी सिक्योरिटी होगी, और एक आप कहते हैं कि रिलैक्स हो जाता है बंदा कि अगर फैमिली कहीं आउट ऑफ होम है तो हमें उनकी ट्रैकिंग या कोई अल्लाह ना करे कोई मिसअप हो जाए तो ईजिली ट्रैक आउट हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं ये कितनी सूदमंद है? इस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में दिस इज़ वेरी सूटेबल एप्लीकेशन फॉर द कम्यूटर्स एज वेल एज द सिटीजन्स, क्योंकि जब आप 15 पे कॉल करते हैं तो आपकी GPS लोकेशन ट्रेस नहीं होती, तो यूजिंग टेक्नोलॉजी आपकी GPS लोकेशन भी ट्रेस हो जाती है, पिन पॉइंट लोकेशन हो गई। सपोज आपको कहीं भी कोई मसला आ रहा है रिगार्डिंग द ट्रैफिक जैम, रिगार्डिंग कोई थेफ्ट और स्नैचिंग, तो आपको सेफ सिटी एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके आपको हेल्प आउट कर सकता है और ज़्यादा स्पीडिली आप तक हेल्प पहुँच सकती है अगर कोई ऐसा रास्ते में आपके साथ इंसिडेंट हो जाता है। ये बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि IT आपको पता है इस वक्त बहुत आगे जा रही है दुनिया में, बाहर की अगर आप कंट्रीज़ में जाती हैं तो ये एक आम जो है ना लोगों की जो है ना वो डिमांड है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्राइम भी जो कंट्रोल होता है, क्योंकि आप जहाँ पर भी जाते हैं इस ऐप के, मैंने इसके फीचर पढ़े हैं, देखे हैं, सर्च की है, इस ऐप में ये कि हर वक्त आप अपनी फैमिली के साथ भी इन टच रहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी लोकेशन, और प्लस आप जो है ना वो लाइन इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ आप रबते में रहते हैं, कोई भी मशकूक हरकत होती है तो आप जस्ट एक क्लिक करते हैं तो आपकी सारी जो है ना वो हेल्प करने के लिए एजेंसीज अवेलेबल हैं। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप क्या समझते हैं कि ये एप्लीकेशन शहरियों के लिए कितनी मुफीद है? मेरा ख्याल है कि ये जो IT की एप्लीकेशन जो कि पब्लिक की सेफ्टी के लिए बनाई जाती हैं, लोगों को इसमें ज़्यादा इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो क्विक रिस्पांस हो सकता है, दूसरा ये है कि लोगों को थोड़ा सा फील होगा कि वो सिक्योर हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन जो है कॉन्टैक्ट करके अपने आप को सेव कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, वो ऐप्स बहुत अच्छा होना चाहिए हर किसी के पास, ताकि किसी की फैमिली को मसला हो तो इस ऐप्स को यूज़ करे, ताकि उससे बाहर जाने में कोई मसला ना हो, कुछ अगर कोई तंग कर रहा तो वो ऐप से हेल्प कर सकती है उनकी पंजाब पुलिस। आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं? जी करता हूँ। आपने इंस्टॉल किया है? नहीं किए नहीं, आप कर लूँगा जाके। आप समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें लाइव ट्रैकिंग और लोकेशन ट्रैकिंग हमारे पास आएगी, आपको बायोडाटा नहीं बताना पड़ेगा, आसानी से आप 15 के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फ़ौरन से आपकी कॉल 15 पे पहुँच जाएगी, और क्या होगा कि पुलिस हमें रिस्पॉन्ड कर देंगे। बिल्कुल ये होनी चाहिए, ताकि अब मैं जाके डाउनलोड करना, बिल्कुल ये होनी भी चाहिए ऐप, ताकि कोई मसला वगैरह ना आए किसी को। मेरा ख्याल है ये तो बनी खवातीन के लिए बेहतर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी उन्हीं की होनी चाहिए, और जब आप GPS लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं तो वो तो एक ऐसा है कि जैसे आप ट्रैक कर रहे हैं सारों को कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, और ये ज़्यादा और ज़्यादा इस तरह की IT ऐप्स आनी चाहिए। जो एक वर्किंग वूमेन है, हाउस वूमेन को भी इवन ये डाउनलोड करनी चाहिए, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको कम्युनिकेट करना चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड्स करें इसके साथ। आजकल बड़ा वनरेबल हो गया ख़वातीन का बाहर निकलना, उनके मसले होते हैं, उस लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है, आई एम श्योर के इससे बेहतरी आएगी। इंटरनेशनली ऐसी ऐप्स यूज़ होती हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव कि पाकिस्तान में भी ऐसी ऐप लॉन्च की गई है जिसको पब्लिक के लिए बड़ा सूदमंद रहेगी, उनको ऐप डाउनलोड करनी चाहिए, इसको यूज़ करना चाहिए, इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, और आपको पुलिस की रेडिली हेल्प और टाइमली हेल्प मिल सकेगी इसको यूज़ करते, और पुलिस को भी आपको पॉइंट
पिन पॉइंट और आपको लोकेट करने में बड़ी आसानी रहेगी इसके थ्रू। इसको हमें प्रमोट भी करना चाहिए और इससे फ़ायदा भी उठाना चाहिए और जो क्राइम का रेशो है उसको इससे मिनिमाइज करने में बहुत ज़्यादा हमें जो ना हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने पब्लिक सेफ्टी और वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन के बारे में लोगों की राय जानी। इसे आप लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कीजिए ताकि किसी भी नागहानी सूरत में पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी आपकी मदद कर सके। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद फाइक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।